वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं अपनी वीडियो में कोर्स एडिटिंग के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके फेक ट्वीट फोटो एडिटर ऐप डाउनलोड करना है, क्रिएट पोस्ट में जाना है, सेटिंग पे क्लिक करना। अगर आपका वेरीफाइड अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो इस ऑप्शन को हटा देना है। नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका इंस्टाग्राम का नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। यूजर नेम भी आपको वही रखना है जो आपका इंस्टाग्राम का है, ताकि लोगों को फाइंड आउट करने में आसानी रहे। अब आपको जो भी फोटो सेलेक्ट करनी है आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको कैप्शन में जाना है, आप जो भी लिखना चाहते हो वह यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको डन कर दूंगी। अब आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको जाना है पिक्सआर्ट ऐप में। पिक्सआर्ट ऐप खुलते ही आपको सर्च वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे लिखना है इंस्टाग्राम फ्रेम लोगो, जो भी आपको जिस तरह की फोटो चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे फ्रेम लिख रही हूँ, इंस्टाग्राम फ्रेम। आपको यहाँ पे बहुत सारी फ्रेम्स, बहुत सारी फोटोज मिल जाएगी, लेकिन आपको जो लाइट फोटो है आपको वही सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाली फोटो सेलेक्ट की है। रिमिक्स पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको ऐड फोटो में जाना है, जो आपने फोटो सेव की थी वहाँ पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और इसको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद आपको ब्लेंड वाले सेक्शन में जाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस यहाँ आपकी फोटो तैयार है।